दस किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन वाली भिंडी। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। हाफ के जी भिंडी ले लेंगे, हाफ टी स्पून गोटा जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, दो हरी मिर्च, चार टेबल स्पून बेसन, हींग ले लेंगे, थोड़ा पानी भी मिलाऊंगा, मिर्च पाउडर एक टी स्पून, चाट मसाले एक टी स्पून, हल्दी पाउडर एक टी स्पून, दो टीस्पून भुना जीरा पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून नमक ले लेंगे या फिर अपना स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप नमक। भिंडी को अच्छी तरीके से धोकर सूखा कपड़ा में पोंछ कर सुखा लिए हैं। भिंडी का ऊपर का और नीचे का मुंह काट देंगे, इसी बीच से चीरा लगाएंगे इस तरह। अगर भिंडी लंबी हो तो बीच से और दो भाग कर लीजिए, यानी एक भिंडी का हम चार भाग करें हैं। अगर भिंडी छोटी हो जैसे कि, तो उसे सिर्फ बीच से ही चीरा लगा देंगे इस तरह। इसी तरह सभी भिंडी को काट लेंगे हम। देखिए सभी भिंडी को काट लिए हैं, इस तरह काट लेंगे। अब चलिए बनाने चलते हैं। ओवन में कढ़ाई रख लिया है और कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसे बेसन डालकर भून लेंगे। लो टू मीडियम में बेसन को भून लेंगे ताकि बेसन जल ना जाए, और इसे चलाते जाएंगे। देखिए बेसन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और इससे बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा है। अब इसी तरह से बेसन को उतार लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। बेसन को निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम चार टेबल स्पून तेल ले लेंगे। तेल गर्म हो गया, उसमें गोटा जीरा डाल देंगे, अजवाइन को क्रश कर डाल देंगे, यहीं पर हम भिंडी डाल देंगे। भिंडी को चला लेते हैं, फ्लेम हमें हाई रखना है। अब यहीं पर हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, नीला जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, सभी को मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम में ही भिंडी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भिंडी जब तक भून जाए तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमें कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसा लगा। फर्स्ट में भिंडी को हाई फ्लेम में भून लिया है और उसके बाद चाट मसाला मिला दे रहे हैं। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं, मिक्स कर लेंगे सभी को। अब झट से दो से तीन मिनट पका लेंगे भिंडी को। हो गया है, चलिए अब भिंडी को चेक कर लेते हैं। देखिए भिंडी हमारा पक गई है, यहीं पर हम बेसन को डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसन देंगे और मिलाते जाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप ज़रूर एक बार घर में बनाइएगा और खाइएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन देंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब ढक के इसे फिर से दो मिनट और पका लेंगे।
देखिए 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। भिंडी बन के रेडी है और यहीं पर हम पानी में घोला हुआ हींग को डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। अगर आप सूखी हुई हींग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे तेल में जब फ़ौरन देते हैं गोटा जीरा और अजवाइन का, तभी हींग को डाल दीजिएगा। देखिए भिंडी बन के तैयार हो गया है, अब इसे नीचे उतार लेते हैं, सर्व करेंगे। देखिए बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे रोटी या फिर पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर इसे एक बार घर पर ट्राई करें, हमें विश्वास है आपको ये सब्ज़ी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप एक बार ज़रूर इसे बनाएं, खाएं और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस तरह नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।